डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मिक अम्ल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे एक अम्ल के बारे में जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। उसको दोस्तों एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एसिटिक अम्ल। हालांकि अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4th नंबर चैप्टर है। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, ये हम लोगों का फार्मूला होता है एथेनोइक अम्ल का। सबसे पहला हम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण होता कैसे, यानी कि सबसे पहले इसके निर्माण के बारे में। ठीक है, लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट, निर्माण। आखिर इस एसिटिक अम्ल का निर्माण होता कैसे, निर्माण में एरो देंगे, लिखा जाए जब एथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। चलो भाई, सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का निर्माण या एसिटिक अम्ल बनता कैसे है, तो सिंपली एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH या एक एथिल अल्कोहल है, इसको ऑक्सीजन के साथ, और दोस्तों ऑक्सीजन तो 2 के फॉर्म में होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन को दिखाना होता है तो उसको ब्रैकेट में करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एथेनोइक या एसिटिक अम्ल बनता है। इट मीन्स CH3COOH और H2 हम लोगों का बाहर निकल जाता है, तो इसी का नाम हुआ क्या, यही हुआ हम लोगों को एसिटिक अम्ल, या फिर बोल सकते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो निर्माण में हम लोग क्या देखें कि जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरा में इसका हम लोग करेंगे कि आखिर एसिटिक अम्ल के क्या क्या गुण हैं, गुण के बारे में। तो लिखा जाए एसिटिक अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। एसिटिक अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर वन, इसका स्वाद खट्टा होता है, वन में लिखा जाए इसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा लिखा जाए इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। तीसरा लिखा जाए इसे ठंडा किए जाने पर
बर्फ जैसा ठोस हो जाता है। बर्फ जैसा ठोस हो जाता है। चौथा, यह जल जल कॉमा कॉमा अल्कोहल अल्कोहल और इथर में घुलनशील होता है। यह जल कॉमा अल्कोहल और इथर में घुलनशील होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि एसिटिक अम्ल के क्या क्या गुण हैं। तो पहला जो गुण है कि वो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। ये जो स्वाद में खट्टा हो जाए ना, समझो उसमें कौन सी अम्ल होती है, एसिटिक अम्ल होती है। जैसे इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में सॉरी टार्ट्रिक, वो तो ज़्यादा खट्टा हो गया ना, बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया। तो कुल मिलाकर सिरका भी में एसिटिक एसिड पाया जाता है, उसको एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा कि इसका टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग यानी कि क्वथनांक, उबालना जाता है। कितना पे उबलता है ये, 391 केल्विन पे। तीसरा नंबर कि अगर एसिटिक अम्ल को अगर ठंडा किया जाए तो बर्फ जैसा, जैसे जल को ठंडा करते हैं तो कैसे बर्फ जैसा ठोस बन जाता है, उसी तरीके से जब एसिटिक अम्ल को हम लोग ठंडा करते हैं तो बर्फ जैसा बन जाता है। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कहाँ कहाँ घुलता है, तो जल अल्कोहल और इथर, ये तीनों में घुलता है। जल में, अल्कोहल में और इथर में, तीनों में घुल जाता है। इसका ये चौथा गुण है। अब हम लोग लास्ट इसका देखेंगे कि आखिर एसिटिक अम्ल के क्या क्या अभिक्रिया हैं। तो तीसरा नंबर लिखा जाए अभिक्रिया में हम लोग दो तरह का अभिक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमोनिया के साथ और अमोनिया का तो फार्मूला पता होगा ना दोस्तों, अमोनिया का होता है NH3 के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया के साथ लिखेंगे कि क्या रिएक्शन करके बनता है, ठीक है। तो लिखा जाए, जब एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो अमोनिया एसिटेट का निर्माण होता है। और अमोनिया एसिटेट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो अमोनिया एसिटेट का फार्मूला होता है CH3COOH NH3। ये हम लोगों को अमोनिया एसिटेट का फार्मूला होता है। तो क्या बोला दोस्तों कि अगर एसिटिक अम्ल को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के साथ। देख लो भाई, एसिटिक अम्ल बोला जा रहा है तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, इस एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और प्लस इसके साथ NH3 अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हम लोग क्या क्या बनेगा, CH3COOH NH3, ठीक है। ये हम लोगों को बनता है, यानी ये रहा हम लोगों को एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल किसके साथ रिएक्शन,
तो अमोनिया के साथ क्या बना भाई, याद रखना पड़ेगा, अमोनिया एसिटेट, अमोनिया एसिटेट। ठीक है, दूसरा नंबर रिएक्शन नंबर बी लिखा जाए, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, उसका फार्मूला होता है PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5 के साथ लिखा जाए, जब एसिटिक अम्ल को, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिटल क्लोराइड, देख लीजिए, एसिटल क्लोराइड, और एसिटल क्लोराइड का ब्रैकेट में लिख दीजिए इसका फार्मूला CH3COCl। एसिटल क्लोराइड का निर्माण होता है, जी हाँ, देख दोस्तों, अगर हम लोग एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा क्लोराइड मतलब PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिल क्लोराइड। अब देखते हैं इसका रिएक्शन, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, ये रहा हम लोगों का एसिटिक अम्ल। इसके साथ किसका रिएक्शन देखेंगे, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, मतलब उसको क्या बोलते हैं, PCl5। ठीक है, बनता क्या है भाई, तो यहाँ पे बनता है CH3COCl। ठीक है, CH3COCl, इसी का नाम है दोस्तों एसिटल क्लोराइड, और बाद बाकी क्या क्या बाहर होगा, तो POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl हम लोगों का बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रोडक्ट बनता है। तो देख पा रहे होंगे कि एसिटिक अम्ल का दो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया याद रखना है, पहला अभिक्रिया अमोनिया के साथ एसिटेट अमोनिया बनता है, अमोनिया एसिटेट बनता है, दूसरा अगर PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ करते हैं क्या बनता, एसिटल क्लोराइड। ठीक है, चलिए, और उसके बाद अगर हम लोग लास्ट पॉइंट बात करें इस एसिटिक अम्ल का, तो वो बचता है हम लोगों का उपयोग। तो पहला में देखें निर्माण, गुण, अभिक्रिया, और चौथा पॉइंट में लिखेंगे इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, तो उपयोग में लिखा जाए, एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित उपयोग हैं, एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित उपयोग हैं, पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा सिरके के रूप में, तीसरा औषधि के रूप में, तो ये तीन इम्पोर्टेंट एसिटिक अम्ल का उपयोग है दोस्तों। पहला हम लोग प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला किसको कहते हैं, जहाँ पे रियल में लेबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशाला, का मतलब जहाँ पे प्रयोग के दौरान कुछ चीज़ें प्रयोग करके वहाँ पे चीज़ें बताई जाती है, निकाली जाती है, यानी कि वहाँ प्रयोग द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है किसी चीज़ को। तो वहाँ पे हम लोग एसिटिक अम्ल का उपयोग अभिकर्मक के रूप में करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिकर्मक किसको बोलते हैं, तो जो अभिकारक और प्रतिफल जानते ना हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं ओर को बोला जाता है अभिकारक, तीर के दाएं ओर को बोला जाता है प्रतिफल।
तो यहाँ पे प्रयोगशाला के रूप में भी यूज किया जाता है। और सिरका में तो जानते ही हैं एसिटिक अम्ल होता है, तो सिरके में भी पाया जाता है, सिरके में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ साथ एसिटिक अम्ल में औषधि भी बनाया जाता है, इसका एसिटिक अम्ल से औषधि भी बनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ रहे थे चैप्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो ये अभी हम लोगों को पूरा के पूरा चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का अगला चैप्टर बचा हुआ है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों एमीन। क्या नाम है इसका? एमीन। तो इस एमीन वाले चैप्टर को हम अगले क्लास में नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, और फिर हम कल एक नए चैप्टर न्यू चैप्टर के स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।